बस यही तो एक रीजन है, यही तो एक मौका है, यही एक खास फेस्टिवल है जो सबको इक्वल कर देता है, बैलेंस कर देता है, सबकी सोच में, सबके मूड में, सबके व्यवहार में, सबके बोलने में सब कुछ नया नजर आता है। इंसान की सोच नहीं हो जाती है, उसके आजू बाजू की एनर्जी नहीं हो जाती है। चाहे आप धन की पूजा करें, लक्ष्मी की पूजा करें या कोई भी पूजा करें, पर हर पूजा में इंसान अपने आप को ग्रेटफुल तभी महसूस करता है जब उसके दिल से किसी के लिए दुआएं निकलती है, जो वो ईश्वर से कनेक्ट हो पाता है। और आजकल हम सब अलग अलग खास दिनों की पूजाएं कर रहे हैं। दिवाली का आज दिन है, बहुत ही ऑस्पिशियस डे माना जाता है। अक्रॉस ग्लोबली देखा जाए तो आज के दिन मन के दिए और हर तरफ उजाले का माहौल है। फेस्टिवल्स, लाइट्स, फ्रेंड्स, लिए, मिठाइयाँ, कल्चर, सब कुछ आज के साथ कितने जुड़े हुए हैं। और ये परंपरा के पल है, आप इससे कभी डिस्कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और शायद आज के दिन से बेटर दुआएं और प्रार्थना के बारे में बात करने का और कोई दिन मुझे नहीं लगता। हाय, हैप्पी दिवाली। मेरा नाम जिया है और आप मेरे साथ ख्याल वाली खिड़की में हैं। तो ये जो दुआएं और प्रार्थनाएं हैं, ये कितना बड़ा रोल प्ले करती है पता है हम सबकी लाइफ में। मैं आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ। एक बस एक शहर से दूसरे शहर जा रही थी और दो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे एक ही सीट पे। तो जो दूसरा बंदा था वो पहले बंदे को देख रहा था कि वो कुछ हाथ बंद करके दुआ मांग रहा है। तो ये सारे उसने प्रार्थना वार्थना कर ली। उसके बाद उसे पूछा कि भाई साहब, आप अभी प्रार्थना कर रहे थे ना, आप मुझे बताइए कि क्या आप दुआ और प्रार्थनाओं में यकीन करते हैं, कि आपने अब तक जितनी भी प्रार्थना मांगी है आपकी पूरी हुई है? तो वो जो दूसरा इंसान था वो थोड़ा हंसने लगा। दूसरे इंसान ने उसे कहा कि पता नहीं मुराद पूरी हुई है कि नहीं, पर मैंने क्या खोया है वो मुझे पता है। मैंने घमंड खोया है, मैंने गुस्सा खोया है, मैंने दुख खोया है, मैंने मौत का खौफ खोया है, मैंने अहम खोया है, ईगो खोया है, ये सारी चीजें मैंने खोई है। पाया कितना पता नहीं, पर जो मैंने खोया ना, ये मेरे अंदर से जो मैंने खोया ना, मुझे तो लगता है वही मैंने पाया है। और ये कितनी सही बात है। कई बार जब हम प्रार्थनाएं मांगते हैं तो जरूरी नहीं कि जो हम मांगते हैं हमें उसके मुताबिक ही मिले। हमारे अंदर जो कचरा है, हमारे अंदर जो ऐसी चीज है, अगर प्रार्थनाओं के बदले वो चीज हमसे खो रही है तो कहीं ना कहीं हम पा रहे हैं बहुत कुछ। चाहे आप कह सकते हैं कि भगवान का आशीर्वाद है, चाहे आप कह सकते हैं कि कोई बुरी आदत ही जो छूट गई, तो ये भी तो एक प्रार्थना कबूली हुई ना। मेरी दादी मुझे अक्सर कहती थी कि दुआओं के नाम नहीं होते, रंग रूप साइजेस नहीं होते, दुआएं और प्रार्थना कभी दिखाई नहीं देती, वो तो सिर्फ कबूल की जाती है, बस ऊपर वाले पे भरोसा रखना है। हाँ, जब हम दिया जलाते हैं तो हम दिए को तो नहीं जलाते ना, उसके अंदर तेल में डूबी हुई बाती को जलाते हैं। तो बाती का काम है जलना। अंधेरा कहां से आया है, कितना गहरा है, उससे उसे क्या लेना देना, उसे तो सिर्फ जलना है, उसे हर जगह उजाला पहुंचाना है, चाहे अंधेरा कहीं से भी आया हो। दुआएं मांगनी चाहिए अपनों के लिए और अपने लिए। हर दुआ कबूल हो जरूरी नहीं, भरोसे का दिया जलता रहना चाहिए। मन के अंधेरों को भगाने के लिए दुआओं के दिए हमेशा जलते रहे। शुभ दीपावली।